Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Daima. आज मैं आपके लिए ऐसे इन दिनों में एक ड्रग लेकर आई हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत essential है और बहुत frequently आप खुद अगर अपने घर में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं. अगर आप प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं तो इसके सिम्टम्स भी बहुत आसानी से आप लर्न कर सकते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. दिस इज एन अमेजिंग ड्रग, अमेजिंग इंडियन होम्योपैथिक ड्रग. इट्स एन अमेजिंग प्लांट. इसलिए जो ये ड्रग है वो बहुत अमेजिंग है. इसके जो भी सिम्टम्स हैं आप बहुत इजीली लर्न कर पाएंगे. और ये ड्रग का नाम है ऑसिमम सैंक्टम, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं तुलसी. तुलसी से कौन परिचित नहीं है, तुलसी को सब जानते हैं. हम तुलसी प्लांट को सभी के घर में होता है ऑलमोस्ट. ट्रेडिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में इसको बहुत, मतलब इसकी धार्मिक जितनी भी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है. तो इसलिए तुलसी से हम सभी लोग वाकिफ है. तुलसी प्लांट के जितनी भी गुण है वो ऑन अ सर्टन लेवल हम सभी लोग जानते हैं कि तुलसी प्लांट में ये गुण होते हैं. भाई कई बार हम उस प्लांट को यूज भी करते हैं होम रेमेडीज में और हम ठीक भी हो जाते हैं. तो आज इस ड्रग में हम तुलसी प्लांट के ऐसे सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपको नहीं पता, जो कॉमनली लोगों को नहीं पता. ये तब देखे गए जब तुलसी प्लांट का होम्योपैथिकली हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रूविंग किया गया और तब पाया गया कि कौन कौन से सिम्टम्स को ये क्योर करती है. तो ये सारे सिम्टम्स के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको क्या करना है, आपको इसे लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ और इस प्लांट को, इस ड्रग को आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि घर में भी बहुत आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा इसको शेयर कीजिए. और अगर मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. फर्दर नोटिफिकेशंस जो है आपको बहुत ही टाइम से मिल जाएंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से दो चीजों पर बात करना चाहूंगी, छोटी छोटी सी. फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप मेरे वीडियोस में पीछे से थोड़ी आवाज आती है और कुछ कुछ साउंड आते हैं तो प्लीज आशा करती हूँ आपको बुरा नहीं लगता होगा, क्योंकि क्लिनिक पर शूट करती हूँ और क्लिनिक पर जब बैठे होते हैं, जो मेरे सिटिंग आवर्स हैं उस समय पे काफी सारे लोग अपने काम के लिए जा रहे होते हैं. तो बाहर जो मेन रोड है वहां पर काफी शोर होता है, तो थोड़ा बहुत अंदर आता ही है, तो उस नॉइज में ही मुझे शूट करना पड़ता है. घर पे तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्लिनिक पर मैं शूट करती हूँ. और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मैंने कॉमेंट बॉक्स क्यों ऑफ किया है. एंड लास्ट टाइम मुझे एक मैसेज भी आया था कि आई मस्ट बी स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट टू फेस ऑल दीज थिंग्स. तो कमेंट बॉक्स जो मैंने ऑफ किया है उसका एकमात्र रीजन यही है. मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स के प्रति मेरी कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों के मैसेजेस रीड नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पर्सनली खुद बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे काम को एक्नॉलेज करते हैं, मुझे अप्रिसिएट करते हैं, थैंक्स विश करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. लेकिन कमेंट बॉक्स में जो है कई बार बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं जिनको मैं एंटरटेन नहीं कर सकती, उनकी चीप और अगली थॉट्स को मैं वेलकम नहीं कर सकती, मैं वो पढ़ना नहीं चाहती और मजबूरन वो सब चीजें मेरे पास आती है तो नजरों के सामने भी आती है. उस चीज को एंटरटेन नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने अपना कॉमेंट बॉक्स ऑफ किया है. पसंद नहीं आता वो चीजें लिखते हैं लोग, समझ आता है. कई लोगों को पसंद आती है, कई लोगों को नहीं पसंद आती, दोनों चीजें एक्सेप्टेबल है. लेकिन चीप एंड अगली थॉट्स, अपने मस्तिष्क की गंदगी जो लोग इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म्स पे निकालते हैं, वो चीज बिल्कुल मैं एंटरटेन नहीं करना चाहती, बिल्कुल वेलकम नहीं करती हूँ इस तरह की मानसिकता को. इसलिए मैंने अपना कॉमेंट बॉक्स ऑफ किया है. आप सभी सब्सक्राइबर्स, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों के प्रति मेरे मन में कुछ भी ऐसा नहीं है. तो जब आप मेरे वीडियोस को लाइक देते हैं, जब आप मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वही एक मैसेज होता है मेरे पास, वही चीज मेरे लिए बहुत होती है सैटिस्फैक्शन के लिए कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है. सो दिस इज ऑल, इतना ही काफी है मेरे लिए ये जानने के लिए कि आप लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं. जरूरी नहीं है कि कमेंट्स ही पढ़कर पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा काम कैसा लग रहा है. ऑल्दो वर्ड्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है ब्लेसिंग्स, आप लोगों के जो अच्छे वाइब्रेशंस आप मुझे सेंड करते हैं वो सभी चीज. तो इसीलिए मैंने अपना कॉमेंट बॉक्स ऑफ किया हुआ है.
अगर आप किसी भी तरह की बात है या फिर आप लोग मेरे काम को अप्रिसिएट करते हैं तो उसको लाइक के रूप में आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो मैं जरूर समझ जाऊंगी कि आप सभी को मेरा काम पसंद आ रहा है। सो आई होप कि आप मेरी इस बात को जरूर समझेंगे। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं ऑसमम सैंक्टम के बारे में। ऑसमम सैंक्टम जो ड्रग है उसका कॉमन नेम बहुत ही कॉमन नेम जो है बहुत इजी है, विष्णु प्रिया, दिव्या, शिवा तुलसी, कृष्ण मूल, और इंग्लिश में कहते हैं होली बेसिल, बेसिल लीव्स जिसको हम कहते हैं, होली बेसिल इसका इंग्लिश में नाम है। इसके फर्स्ट प्रूवर है डॉक्टर मूरे और ये फैमिली को बिलोंग करती है लैबिएटी। लैबिएटी फैमिली की आई थिंक ये पहली ड्रग है जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, लैबिएटी फैमिली को बिलोंग करती है तुलसी प्लांट। बहुत सारी चीजें तुलसी प्लांट के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे ये फ्लू जैसे सिम्टम्स में, जैसे ये कोल्ड कफ कोराइजा मतलब सर्दी जुखाम, फ्लू जैसे सिम्टम्स में, बुखार में, गले दर्द में, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा काम आती है। हम लोग इसका काढ़ा भी बनाकर पीते हैं, कोविड के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया होगा। तो इसका काढ़ा हम पीते हैं, हर्बल टी लोग लेते हैं, असेंशियल ऑयल्स के रूप में लोग इसको यूज करते हैं। तो ये कुछ चीजें तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन जब इसकी हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रूविंग की गई तो एक और चीज डॉक्टर मूरे ने डिस्कवर किया कि हाँ, तुलसी जो है वो वॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। दैट मींस ये जिनके पेट में, स्पेशली जिन बच्चों के पेट में, ऐसा नहीं कि एडल्ट्स नहीं, जिन बच्चों के पेट में कीड़े हैं, वॉर्म्स है, उनको तुलसी प्लांट जो है वो फिजिकल बॉडी पर ही नहीं आपके माइंड पर भी बहुत अच्छा काम करता है। फिजिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हम सब लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे मन पर कैसा काम करता है। तुलसी प्लांट जो है वो हमारे कंसंट्रेशन को बहुत इंप्रूव करता है। ऑसमम सैंक्टम मेडिसिन हमारे कंसंट्रेशन को, हमारे फोकस को और ज्यादा अच्छा करती है। अगर हम अपनी स्टडीज में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत फियरफुल हो गए हैं अपनी स्टडीज को लेकर, हमें चीजें याद नहीं रह रही हैं, हम भूल जाते हैं, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम अपनी जो भी पढ़ाई करते हैं उसको उसी तरीके से लिख सकें, ऑसमम सैंक्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर दैट। अब हमने बात की थी वॉर्म इन्फेस्टेशन की। बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स जो है वॉर्म्स के हम जानते हैं, जैसे पेट में ब्लोटेड रहना, पेट फूला फूला सा लगना, गाल जो है लाल या फिर पेल होना, एक रेड पेल हो जाता है, एक चीक पेल हो जाता है, एक चीक रेड रहता है, आंखों के नीचे थोड़ा थोड़ा काला लगने लगता है, बच्चे को जो है रेक्टम एनस रीजन पर इचिंग बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत इरिटेबल हो जाता है, हमेशा गोद में लटका रहता है, उसको बेड पर लाई करना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है वॉर्म इन्फेस्टेशन के, और यही सब आपको यहाँ देखने मिलते हैं। अगर मेंटली बात करें तो बच्चा बहुत इरिटेबल हो जाएगा, साथ ही साथ उसको लेटने का मन नहीं करेगा, वी वुड नॉट लव टू लाई ऑन द बेड, उसको हमेशा गोद में रहना पसंद आएगा। वो बेड पर आप छोड़ोगे या वैसे उसको खेलने के लिए छोड़ोगे तो बहुत इरिटेबल हो जाता है, तो बच्चे को ये चीज पसंद नहीं आती जनरली जिनको वॉर्म इन्फेस्टेशन होता है। इवन ग्राइंडिंग करते हैं टीथ की, बच्चे रात को जो है दांत की ग्राइंडिंग करते हैं स्पेशली। इसके साथ साथ अगर बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस आपको हो रहा है, बहुत नींद आती रहती है हर समय, और अगर आप कुछ आंसर कर रहे हो तब भी आप सो जाते हो, आंसर करते करते बीच में सो जाते हो, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम फॉर ऑसमम सैंक्टम। सो नाउ वी बिगिन विद द हेड सिम्टम्स। हेड सिम्टम्स जनरली रिलेटेड हैं, जब भी हमें जुकाम या खांसी, नाक बंद होता है, रनिंग नोज होता है, तो किस तरह के हेड सिम्टम्स आते हैं, कुछ उससे रिलेटेड है, कुछ थोड़े से अलग हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें हेडेक, सर बहुत ज्यादा भारी लगता है। अब हम बात करते हैं हेड सिम्टम्स के बारे में। हेड सिम्टम्स या कोई भी सिम्टम जब हम ऑसमम सैंक्टम का पढ़ेंगे वो तीन चीजों से रिलेटेड होगा। फर्स्ट इज लाइक फीवर, हो सकता है वो फीवर से रिलेटेड हो, फॉर इजी लाइक इजी अंडरस्टैंडिंग मैं आपसे कह रही, या तो वो बुखार के कॉमन सिम्टम होगी, या वो सर्दी जुकाम का एक कॉमन सिम्टम होगा, या फिर वो पेट में जो वॉर्म्स है उसका एक कॉमन सिम्टम होगा। तो इस तरीके से जब हम कोरिलेट करके पढ़ते हैं किसी क्लिनिकल के साथ तो बहुत ज्यादा जल्दी हम समझ जाते हैं उस चीज को। हेडेक जो है, हेडेक उनको कैसा होता है, स्पेशली जैसे कि यहाँ नसें फट रही हैं, नसें फड़फड़ आ रही हैं, या वो कहते हैं थ्रॉबिंग सेंसेशन हो रही है, नसों में चप 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 ऐसा हो रहा है, जनरली यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर इस तरह का सेंसेशन फील होता है। कई बार ऐसा लगता है सर बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, जैसे जुकाम में हो जाता है ना सर बहुत भारी,
बस सर बहुत भारी हो गया है, सर के अंदर कोई ऐसे कोई कील घुसा रहा है, इस तरह का सेंसेशन होता है जैसे किसी ने कील डाली है। पेशेंट को रिलीफ कैसे मिलता है? पेशेंट ऑलवेज सीज की जब मैं सर दबवाती हूँ या फिर सर को बाइंड कर लेती हूँ, किसी चीज से बांध लेती हूँ तो बहुत आराम मिलता है। एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो हमें ऐसा लगता है, इट साउंड्स ऐसे कि ये बहुत अनकॉमन है, लेकिन ये बहुत कॉमन सिम्टम है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स में आपको देखने मिलता है, जिसमें कि इस पर्टिकुलर रीजन पे जैसे हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ हेड से हीट निकलती है, बहुत गर्माहट निकलती है और उसमें आराम मिलता है जब भी वो इंडिविजुअल वो पेशेंट अपने सर को धोते हैं या फिर कॉन्स्टेंट उनके सर पे फैनिंग होती है। जैसे फैन ऑफ हो गया या उन्होंने अपने सर को नहीं ठंडे पानी से धोया हुआ है तो उनको ऐसा लगता है यहाँ से बहुत सारी आग निकल रही है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ ऑसमम सैंक्टम। नाउ वी मूव ऑन टू द आईज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट सिम्टम्स। सबसे पहले आईज की अगर हम बात करें तो अगर किसी पेशेंट को सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, नाक से बहुत पानी गिर रहा है, तो आंखों से बहुत ज्यादा पानी गिरना, आंखों में दर्द होना, आंखें बिल्कुल लाल रहना, दैट इज रेडनेस ऑफ द आई, नाक से पानी गिर रहा है, आंखों से पानी निकल रहा है, कानों में एक बहुत पर्टिकुलर सेंसेशन होती है, कई बार कानों से सुनने में दिक्कत होती है, कान बंद से लगते हैं, और इस इंडिविजुअल में अगर कोई लाउड नॉइज होती है तो जनरली हमें क्या होता है कि लाउड नॉइज हम बेयर नहीं कर पाते, लेकिन ऑसिमम सैंक्टम इंडिविजुअल में अगर उसके कानों में दर्द होने लगे, लाउड नॉइज सुनते उसके कानों में दर्द होने लगे, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। किसी को सर्दी जुकाम है, बुखार है, उसके साथ कान बंद से महसूस होते हैं, सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, और फिर कानों से भी कई बार वॉटरी डिस्चार्ज होना या फिर स्मेली पस जैसा डिस्चार्ज होना, ऑफेंसिव पस जैसा पीला पीला अगर निकल रहा है ड्यू टू द इन्फेक्शन, बिकॉज आईज, नोज एंड योर थ्रोट, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट, दे ऑल आर वेरी मच कनेक्टेड। जब भी हमें कोई फ्लू जैसा सिम्टम होता है, कोल्ड कफ, कोराइजा होता है, तो ये सारे ही जनरली अफेक्ट होने लगते हैं। तो कोराइजा के साथ आपको अगर कान में से भी दर्द है, कान में से पानी निकल रहा है, ऑफेंसिव पस निकल रहा है, तो ऑसिमम सैंक्टम बहुत अच्छा काम करती है। नोज की अगर हम बात करें तो रनिंग नोज है, बहुत ज्यादा नाक से पानी निकल रहा है, स्नीजिंग बहुत ज्यादा है, और नाक से व्हाइट व्हाइट डिस्चार्ज होते होते एक दो दिन बाद येलोइश डिस्चार्ज हो जाता है, दो तीन दिन बाद और येलोइश ग्रीन हो जाता है, ठीक हो जाता है डिस्चार्ज। तो सभी केसेस में स्टार्टिंग से लेकर अगर वो पेरोक्सिज्म थोड़ा सा लंबा चल गया है तो भी आप उसे ऑसिमम सैंक्टम ले सकते हैं, इट विल डू वंडर्स। नाक में ना अल्सरेशन जैसा, जनरली पेशेंट क्या बताएगा कि नाक में ना जख्म जैसे हो रहे हैं, नाक में छिला छिला महसूस होता है, नाक से कई बार खून भी निकलने लगता है, जब नोज ब्लो करते हैं तो खून भी आ जाता है, नाक में छिला छिला जख्म जैसा महसूस होता है, ऑसिमम सैंक्टम इज वंडरफुल फॉर दैट। थ्रोट की अगर हम बात करें तो गले में दर्द होना, रॉनेस जैसा फील होना, छिला छिला सा महसूस होना, और कुछ भी खा रहे हैं तो उसको सोलो करने में प्रॉब्लम होना, कुछ भी खाते हैं तो डिग्लूटिशन में, सोलोइंग में प्रॉब्लम होती है, मुंह में बहुत ज्यादा सलाइवा आता है। जनरली जब भी हमें जुकाम या ऐसा कुछ होता है तो फेस या तो हमारा बिल्कुल व्हाइट हो जाता है या बुखार से बिल्कुल लाल हो जाता है, लिप्स भी ड्राई हो जाते हैं, और टंग अगर हम इंडिविजुअल की देखें तो रेड होगी, टंग बिल्कुल ब्राइट रेड होगी इंडिविजुअल की, और जो है कुछ कुछ पोर्शन जो है आपको बहुत एक्सट्रीम रेड लगेगा, कहीं पर थोड़ा थोड़ा कोटिंग मिलेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टंग भी चेक करें ऐसे इंडिविजुअल में, आप फेस उनका अच्छे से देखें, उनकी आईज देखें, रेडनेस है, तो ये सब चीजें आपको अल्टीमेटली ऑसिमम सैंक्टम तक अपने आप लेकर जाएंगी। खांसते वक्त या छींकते वक्त छाती में दर्द हो रहा है, खांस रहे हैं तो छाती में दर्द हो रहा है, जो भी पेशेंट्स हैं जिन्हें एस्मा की प्रॉब्लम है वो कभी भी बेड पर आराम से क्वाइटली लेट नहीं पाएंगे, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको खांसते वक्त दिक्कत हो रही है, उनके छाती में दर्द हो रहा है, ये सभी सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं ऑसिमम सैंक्टम के लिए। में बुखार चढ़ रहा है, जुकाम है, खांसी है, गले में दर्द है, चेस्ट में पेन है, तो बुखार में ये बहुत अच्छा काम करती है। बुखार जिसमें कि आप जरूर पूछते हैं कि पेशेंट को प्यास कैसी है, आप जरूर पूछते हैं पेशेंट को भूख कैसी है, आप जरूर पूछते हैं उनको बॉडी में कहीं पेन है, तो डेफिनेटली पेशेंट की जो भूख है वो बिल्कुल ठीक होगी, नॉर्मल होगी, जो पेशेंट है उनको प्यास पे बिल्कुल ठीक लग रही होगी, लेकिन उनके बॉडी में, उनके मसल्स में, उनकी जॉइंट्स में सब जगह बहुत पेन होगा, एज इफ समवन हैज बीटन देम, उनको किसी ने मारा हो, इस तरह का सोरनेस जैसा पेन होता है सारे शरीर में, सारे जॉइंट्स में।
टाइफॉइड फीवर जिसमें कि ठंड लगकर बुखार चढ़ रहा है, बहुत ड्राउजी और बहुत डिजी ऐसा हो जाता है इंडिविजुअल का कंडीशन, जैसे कि बिल्कुल कोमेटो सिचुएशन में चला गया है, बहुत ड्राउजी, नींद में बस पड़ा रहता है, बुखार आता रहता है, ठंड लगती है, उसमें ऑसिमम सैंक्टम वंडरफुल ड्रग है। सो दिस वॉज मोर और लेस रिलेटेड टू द इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम, फ्लू, कोल्ड कफ, कोराइजा जैसे। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स की जो वॉर्म इन्फेस्टेशन से रिलेट करते हैं और अदर देन दैट है। फीमेल में डिलीवरी के बाद जो बहुत ज्यादा ब्लड जाता है उसे हम लोकिया डिस्चार्ज कहते हैं। तो ये ल्यूकोरिया सफेद पानी एज वेल एज लोकिया दोनों डिस्चार्जेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। किसी को डिलीवरी के बाद भी बहुत ज्यादा हेमरेज हो रहा है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है जो कि ऑफेंसिव है, स्मेली है और बहुत ब्लड जा रहा है, उस लॉस ऑफ ब्लड को कंट्रोल करने के लिए, उस हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए तुलसी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। सो ऑसिमम सैंक्टम उस समय पे दी जाए मदर टिंचर तो वो कुछ ही देर में जो ब्लीडिंग है उसको स्टॉप कर देगी, उस लोकिया डिस्चार्ज को ठीक कर देगी, ल्यूकोरिया को भी ठीक कर देती है। इसके अलावा जिनको वॉर्म इन्फेस्टेशन होती है वो इंडिविजुअल का पेट जो है वो ब्लोटेड रहता है, फूला फूला रहता है, रात को ग्राइंडिंग ऑफ टीथ होती है तो ये आपको देखने मिलता है। और इसके साथ अगर बच्चा जो है वो बेड वेटिंग कर रहा है रात के समय, उनका जो है यूरिन पास हो जाता, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना या फिर बेड वेटिंग करना, अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ ऑसिमम सैंक्टम। तो ये सभी सिम्टम्स जो है वो ऑसिमम सैंक्टम के, आई होप आप इंटर रिलेट कर पाए होंगे और आपको आसानी से समझ भी आ गया होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसी के साथ मैं फिनिश करती हूँ मेरे वीडियो को। हाँ जी जरूर, और पोटेंसी आप कौन सी लेंगे, आप दिन में 3 बार या 4 बार डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द इंडिविजुअल। आप इसको हर 4 घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं, आप इसको दिन में 4 बार भी ले सकते हैं। 10 to 15 ड्रॉप्स आधा कप पानी में मदर टिंचर ऑसिमम सैंक्टम का इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ आउट ऑफ एवरीथिंग। आप इसे घर में भी लाकर रखिए, डू गिव अ ट्राई, एक बार आप लेकर देखिए, आपको डेफिनेटली इस पर जो भी ट्रस्ट है सारा डेवलप हो जाने वाला है। सो इसी तरह से अपना ट्रस्ट जो है होम्योपैथी पर बनाए रखिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डू गिव अ बिग फैट थम्स अप एंड अप्रिसिएशन एंड ऑल योर लव। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।